ग्वालियर जिले के घाटी गांव विकास खंड में संचालित पीडीएस दुकानों पर चल रही कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। चार गांव में संचालित पीडीएस की इन दुकानों को एक ही व्यक्ति जयंत तिवारी संचालित कर रहा था। जब उसके यहां जांच पड़ताल की गई तो खाद्यान्न वितरण में भारी अनियमितताएं मिली। पता ये भी चला कि जयंत तिवारी ही इन चार कंट्रोल दुकानों का संचालक है। इस पर एसडीएम के निर्देश के बाद तीन दुकानों को अस्थायी तौर पर स्वसहायता समूह के हवाले कर दिया गया और नई व्यवस्था के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी। इस मामले में जब संचालक जयंत तिवारी से पूछताछ की गई तो उन्होंने जिला प्रशासन से आवंटित खाद्यान्न के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। एसडीएम अनिल बनवारिया का यह भी कहना है कि इन दिनों चल रही लाडली बहना योजना में केवाईसी करने में भी जयंत तिवारी ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बावजूद लापरवाही की थी। इसकी शिकायतें भी जिला प्रशासन के पास पहुंची हैं। जिले में कई खाद्यान्न की दुकानों पर आए दिन गड़बड़ घोटाले के प्रकरण सामने आते हैं, लेकिन यह मामला लाखों रुपए की खाद्यान्न गड़बड़ी का है। एसडीएम के मुताबिक मेहरामपुरा, चराई, डांग, धुआं और सुरेला में संचालित पीडीएस दुकानों में 900 क्विंटल से ज्यादा खाद्यान्न गायब मिला है। आशंका है कि ये खाद्यान्न संचालक जयंत तिवारी ने कालाबाजारी में बेचा है, इसलिए घाटीगांव थाने में उसके खिलाफ दो अलग अलग FIR दर्ज कराई गई है। ये घाटीगांव क्षेत्र में मारामपुरा, सुरेला, चराई, डांग और धुआं चार जो पीडीएस की शॉप थे वो एक ही विक्रेता जयंत तिवारी जी चला रहे थे जो है। तो उस समय अभी लाडली बहना में भी KYC करने के लिए इनको कहा गया तो उसमें अभी लापरवाही कर रहे थे, और भी चूँकि चार दुकानें एक ही व्यक्ति पे थी तो हमने तीन दुकानें जो है वो वहाँ पे जो अपने समूह है उनको अस्थायी रूप से जो है कर दी थी और इसके विज्ञप्ति निकाल दी थी जो है आवेदन के लिए फ्रेश। उसके बाद में जब इनको चार्ज काफ़ी दिन में 7-8 दिन बाद चार्ज नहीं दिया इन्होंने तो उसको चेक कराने के लिए मैंने जो है फूड हमारे सहायक खाद्य अधिकारी हैं और कोऑपरेटिव के इंस्पेक्टर हैं दोनों को जांच करने के लिए जब भेजा तो वहाँ पाया कि जो बचा हुआ अनाज था, चावल था, गेहूँ था, शक्कर था, वो वहाँ पर नहीं मिला। तो जब उनसे पूछा गया, उनके कथन लिए गए तो उन्होंने कहा ये मुझे नहीं मालूम, वो तो दूसरा व्यक्ति ले गया, तीसरा व्यक्ति ले गया। इस तरह से इन्होंने बहुत ही असंतोषजनक जवाब दिया और उसको जब जांच की गई गहनता से तो करीब 900 क्विंटल अनाज जो है तो वो तीनों दुकानों का जो है वो वहाँ पर से गायब पाया गया, जिसको कि उपभोक्ताओं को देना था, जो गरीब लोग वहाँ रहते हैं, आदिवासी और सभी वर्ग के, उनको नहीं मिला। और इन्होंने उसको अभियोजन करते हुए अनाधिकृत रूप से जो है अन्य व्यक्तियों को जो है संदिग्ध व्यक्तियों को बेचा है, उसको बेचा है, बेचने का प्रयास किया है, वो मालूम पड़ेगा भी जांच में। और FIR दो FIR हमने इनके ऊपर कराई हैं और ये करीब करीब 900 क्विंटल जो अनाज है वो 20 लाख रुपए की अनुमानित कीमत का है। तो इसमें देखते हैं और आगे भी हम, चूँकि ऐसे मामले आए तो ऐसा लगता है कि और भी दुकानों पर इस तरह की गड़बड़ी अगर हो सकती है तो हम उसको भी पकड़ने का प्रयास करेंगे।